वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल आर हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, इसको आप लोग लीनियर ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। किसके दरमियान? बिटवीन एस एस, एस पी और पी पी ऑर्बिटल्स। अगर तो आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है दो एस एस ऑर्बिटल्स के दरमियान, एस पी के दरमियान या फिर पी पी ऑर्बिटल्स के दरमियान अगर ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब उनके दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एस एस ओवरलैपिंग यानी कि दो एस ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं यानी कि ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें क्या, एक ऐसा ये जो स्फेरिकल शक्ल आपको नज़र आ रही है ये ऐसे, और ये आपको डंबल शेप नज़र आ रही है ये पी ऑर्बिटल्स है। इसमें ये वाला जो, ये आपके पास एस है और ये आपके पास क्या है, ये पी ऑर्बिटल्स है। तो अगर एस और पी मिल जाए तो भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस तरह अगर दो पी ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएँ तो भी आपके पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि सिग्मा बॉन्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नंबर वन पे आता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड देयर फॉर लेस रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है। कोई भी बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, और जितना मुश्किल होगा उतनी वो लेस रिएक्टिव होगी वो स्पीशीज या वो वाला मॉलिक्यूल्स। तो अगर दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो वाला मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है। कहता ड्यू टू मोर अफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग दैन पॉई बॉन्ड। पॉई बॉन्ड की निस्बत इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज वन। दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम जो सिग्मा बॉन्ड है ना, दो एटम्स की बात हो रही है, ज़्यादा एटम्स की बात नहीं हो रही, दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो हमेशा एक ही होगा। अगर एक से ज़ायद हैं तो इसका मतलब वो जो ज़ायद हैं वो पाई बॉन्ड है। उसके बाद आपने जहन में रखना है कि जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना ही वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जितना सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी कम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है सिग्मा बॉन्ड की, यानी कि अगर सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी हमेशा कम होगी। उसके बाद नंबर फाइव पॉइंट पे हैं, इन सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन ऑफ एटम इज़ पॉसिबल। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं इनमें फ्री रोटेशन होती है, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती। फ्री रोटेशन की वजह ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, जैसा कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, सिग्मा बॉन्ड डिटरमिन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही हम लोग किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता लगाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सिग्मा बॉन्ड के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड में हमारे पास पहले नंबर पर आता है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाई लेटरल आर साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग, ये कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज बिटवीन टू पी ऑर्बिटल्स। अगर तो आपके पास पी ऑर्बिटल्स हेड टू हेड मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। अगर दो ऑर्बिटल्स आपके पास जो पाई ऑर्बिटल्स हैं अगर आपके पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो उससे बनने वाला पाई बॉन्ड बनेगा। आपने जेन में रखना है कि कभी भी पाई बॉन्ड एस एस ऑर्बिटल्स के दरमियान नहीं बनेगा, क्योंकि एस एस ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा लीनर होती है या हेड टू हेड होती है। पी ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी है, अगर तो दो पी ऑर्बिटल जो हैं वो आपके पास इस तरह आपस में मिलते हैं, इस तरह मिलते हैं, हेड टू हेड मिलते हैं इस तरह, तो ये आपके पास कौन सी ओवरलैपिंग है, ये हेड टू हेड है, तो इसका मतलब इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर ये दोनों ओवरलैपिंग आपके पास इस तरह कर रहे हैं, इस तरह ओवरलैपिंग कर रहे हैं ये दोनों ऑर्बिटल्स, ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इससे बनने वाला बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा, इससे बनने वाला बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज़ में पहले नंबर पर आता हमारे पास, इट इज़ अ वीक एंड लेस स्टेबल बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है हमारे पास, लेस स्टेबल होता है, एंड देयर फॉर मोर रिएक्टिव। जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी।
ड्यू टू लेस अफेक्टिव ओवरलैपिंग, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग जो होती है वो वीक ओवरलैपिंग होती है, तो इस वजह से ये मोर रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड एटम आर जीरो एंड टू रिस्पेक्टिवली। जो पाई बॉन्ड होते हैं दो एटम्स के दरमियान, मैक्सिमम जो बॉन्ड है या तो जीरो होगा या तो होगा ही नहीं, या फिर अगर होंगे तो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। स्टेबिलिटी की बात करें तो जितने सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, और जितने पाई बॉन्ड ज़्यादा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा। उसके बाद लास्ट फाइव पॉइंट आते हैं, इन केस ऑफ पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद नंबर सिक्स पॉइंट आता है, इट इज नॉट डिटरमिन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बट शॉर्टन बॉन्ड लेंथ। इससे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है ना उसको ये कम कर देते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।